देखिए, साहिल ने कहा कि रसूलुल्लाह के जमाने का कुरान तो दुनिया में नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह का बाल मौजूद है। क्या बोला तूने? बाल मौजूद है। तो एक दफ़ा यह हुआ कि जो है मेरी उम्र भी लगभग जो है 13-14 साल थी, तो मैं हमारे मदरसे से अब अपने जितने भी जो है हमारी जो टीचर्स हैं उनके साथ सारा का सारा ग्रुप वो यानी औरंगाबाद में खुलदाबाद में जो है ये बाकायदा उसकी ज़ियारत करवाई जाती, तो उसमें मैं भी अपने जो है दूसरे हमारे जो है जो क्लासमेट्स थे अपने असातिज़ा के साथ मैं वहाँ चला गया सिर्फ उसकी ज़ियारत करने के लिए, बाल को देखने के लिए हम बाकायदा कहाँ से चल पड़े थे। और वहाँ जाके जब देखा तो वहाँ पता नहीं कितने हज़ार लोग जो है लाइन लगाए खड़े हैं। दिन का वक्त है, तकरीबन 11-11:30 हो रहे हैं और हम भी जो है लाइन लगाए खड़े हैं। जब हमारा नंबर आया, मैं देखा जरा सर को ऊँचा करके देखा तो एक छोटे से शोकेस में एक टोपी की डिबिया है, उसके अंदर कोई चीज़ रखी है, मुझे दिखाई नहीं दी। अच्छा, अब लोग मैं गौर से देखना भी चाह रहा था, पीछे से किसी ने धक्का दिया, मैं आगे बढ़ गया और फिर जो है सारे लोग जो है जब हम सारे इकट्ठे हुए तो लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, कहने लगे मुबारक हो भाई, आपने भी ज़ियारत की, मैंने भी की, बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं परेशान था, मैं आखिर देखा क्या? अच्छा, मैं बच्चा हूँ बिल्कुल 13 साल। अब वो मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं परेशान था कि भाई मैं देखा क्या, तो लोग हमारे असातिज़ा कहने लगे भाई तुमने जो है मुँह मुबारक कहते हैं, यानी बाल को मुँह मुबारक कहते हैं, कि तुमने मुँह मुबारक की ज़ियारत कर ली, मुबारक हो। तो मैंने सादगी से यह पूछ लिया भाई, हालांकि मेरा कोई इंसल्टिंग का या तौहीन का कोई जो है कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने अपने उस्ताद से पूछा, मौलाना ये कहाँ का बाल है? समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हैं? अच्छा जी, शायद नहीं समझे। मैं समझ गया। अच्छा, ये सवाल करने पर हमारे असातिज़ा घूर कर देखने लगे, बदतमीज नालायक बेहूदे, पड़ी मुझे हो गया, मैं हैरान हो गया, मैंने क्या गलत सीख लिया? अरे मैं सिर्फ जानना चाहता था, 13-14 साल की मेरी उम्र है और मैं जो है जानना चाहता था, मुझे इस तरह की डांट पड़ी।